हेलो फ्रेंड्स आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आपका सीटेट का रिजल्ट आ चुका है तो बताइए आपका सी का रिजल्ट कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने रिजल्ट के बारे में देखिए बहुत से लोग सीटेड अच्छी तरीके से पास हो गए हैं तो उनको तो बहुत बधाई और बहुत से लोगों ने सी में मेहनत की थी लेकिन एक दो नंबर से उनका सी नहीं हो पाया है तो उनको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही आपको फिर से सी देखने को मिलेगा तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए थोड़ा बहुत सी के बारे में पढ़ने लगिए नोटिफिकेशन के पहले आपको पूरी तरीके से सी के बारे में पता होना चाहिए और नोटिफिकेशन के पहले ही आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर चुके हों तभी आपका सी अच्छे से निकलेगा और पांच सब्जेक्ट में जब तक चार सब्जेक्ट आपके अच्छे नहीं होंगे सी का रिजल्ट आपका अच्छा नहीं होगा वैसे तो पांचों सब्जेक्ट आपको अपने बेहतर करने हैं लेकिन चार सब्जेक्ट में आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए एक सब्जेक्ट में अगर आपके बीस के अंदर भी नंबर आते हैं पंद्रह से बीस के बीच में तो बाकी चार सब्जेक्ट में आपके बीस से कम तो नंबर नहीं होने चाहिए तभी आपका सीटेट अच्छे से निकलेगा बाकी जिनका सीटेट हो गया है उनको जल्द ही दोस्तों डी ट्रिपल एस की जो है भर्ती में बैठने को मिलेगा तो उसके लिए आप अभी से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए उसका सिलेबस देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आएंगे मैं जल्द ही आपको उसके बारे में बताऊंगा तो उसकी भी तैयारी आपको साथ में करते हुए चलनी है तो अपना कमेंट में आप बताइएगा सी का रिजल्ट और मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत आपके साथ की थी अगर आपका सी इस बार थोड़ा भी किसी वजह से नहीं हो पाया है एक दो नंबर से नहीं हो पाया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फिर से हम लोग साथ में मेहनत करेंगे और इस बार पक्का आपका सी टेट हो जाएगा बस अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट में अपने सी के रिजल्ट के बारे में जरूर बताइएगा धन्यवाद